देख सकते हो सुरक्षा की दृष्टि से अभी इसको लोहे के जाल से कवर कर दिया गया है। उस समय इसको कितनी खूबसूरती से बनाया गया था आप देख लीजिए, क्योंकि पानी पीने के उपयोग में इसको लाया गया था। किसको पता था कि यह पानी पीने के नहीं जान देने के काम में आएगा। दोस्तों यहां पर हमको काफी घबराहट हो रही है। वेलकम गाइज, आज हम पहुंचे हैं गढ़कुंडार के किले पर। यहाँ पर आपको जो एक यहाँ पर खूनी प्रणय गाथा जिसके किस्से लोकगीतों में और कहानियों में सुनाए जाते हैं, तो उसी को सुनते हुए आज हमने यहाँ पर आने का निश्चय किया और यहाँ पर आए हैं। जो यहाँ की रानी केसरदाई थी, राजकुमारी केसरदाई और उनकी रानियों ने यहाँ पर जौहर कर लिया था अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए। जो दिल्ली के सुल्तान से शादी ना करने पर उनको ये सजा मिली थी, उन्होंने स्वयं इस सजा को कबूल किया था और एक कुएं में आग जलाकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो आज इस घटना से दिल दहलाने वाली घटना समझ लीजिए, इसे पूरा आपको हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। सबसे पहले आप इस किले का व्यू देखिए, क्योंकि ये 1347 के समय की घटना है, जबकि इस महल का निर्माण 1180 में महाराजा खेत सिंह खंगार ने करवाया था। इस खंगार वंश के जो आखिरी राजा थे, राजा मानसिंह, उन्हीं जब वो युद्ध में तुगलक वंश से हारे थे, उसके बाद यहाँ पर चंदेलों का राज स्थापित हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको महल का व्यू दिखाना चाहता हूँ। और महल में सबसे देखिए वहाँ पर वो जो बना हुआ है वो है, नीचे जाने के लिए धरती के तीन तल हैं, चार मंजिल नीचे है ये धरती में, वहाँ पर जाने के लिए रास्ता। ये यहाँ पर जो छोटे छोटे गुम्बद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रोशनी के लिए बनाए गए हैं, जो धरती की सतह में जो बने हुए हैं। और अब इसके उस स्थान पर हम पहुंच रहे हैं जहां पर उस समय राजकुमारी रहा करती थी, उनका जो रसोई घर था, जो नहाना वगैरह था। महल बेजोड़ खूबसूरत है, आप देख सकते हो। महाराजा खेत सिंह खंगार पृथ्वीराज चौहान के एक बहुत ही खास सामंत थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पिता और महाराजा खेत सिंह खंगार के पिता चंपत राय सिंह खंगार एक अभिन्न मित्र थे। एक बेजोड़ मजबूती और अपनी सुंदरता को लिए बरकरार है, क्योंकि ये 100-200 वर्ष पुराना नहीं है दोस्तों, ये हजारों वर्ष पुराना है। ये परमाल राजा जो महोबे के चंदेल वंश के थे, उनका सैनिक मुख्यालय था पहले। जब परमाल राजा यहाँ पर इसको हार गए, उसके बाद ही 1180 में महाराजा खेत सिंह खंगार ने इसको अपना बनाया और इसको अजय दुर्गम किले का नाम दिया, इसमें कई सारे निर्माण करवाए। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर बैठकर सैनिक अपना सुरक्षा देते थे, अपना ड्यूटी देते थे महल के लिए। यहां से चलते हैं हम, तो आप देख सकते हो महारानी का जो कक्ष था, जो राजकुमारी महारानी का कक्ष था, ये वो कक्ष है। आप देख सकते हो उस समय छत भी दिखा दीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सीधा चूना पत्थर और जो चूना पत्थर का सीधा निर्माण। और यहाँ पर ये देखिए, इसे आप उस समय का किचन बोल सकते हो, अभी तो इसके अंदर काफ़ी कचरा इकट्ठा हो गया है, ये किचन था उस समय। यहाँ पर भी देख लीजिए आप, सैनिक अपनी ड्यूटी देते थे, सामने उनके जो निशानेबाजी के लिए भी बनाया गया है। यहाँ पर देखिए आप, पूरे महल में आपको ये देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा ये महल है। ये देखिए 7 मंजिला ये टोटल बना हुआ है, 4 मंजिल धरती के नीचे है और 3 मंजिल ये धरती के ऊपर है। ये बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ये देखिए इसका मुख्य गेट दिखा दीजिए यहाँ से, ये देखिए इसका मुख्य गेट वहाँ पर है। पूरा ये दीवार से कवर किया गया है, काफ़ी मजबूत है, कोई भी इसे जीत नहीं सकता। अजय दुर्गम किला इसीलिए इसे कहा जाता है, देख सकते हो आप। अब मैं आपका रुख करना चाहता हूं उस ओर,
जिस कहानी की वजह से हमको यहाँ पर आना पड़ा और जिसको लोकगीतों में कहानियों में बताया जाता है। तो मैं दोस्तों बता दूं आपको कि जब 1347 में खंगार वंश के आखिरी जो शासक थे राजा मानसिंह, जब दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उनसे जो उनकी बेटी थी राजकुमारी केसरदाई, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, उनकी खूबसूरती के चर्चे दिल्ली तक फैले हुए थे। जब दिल्ली के राजा ने यह सुना तो उन्होंने राजा मानसिंह से उनकी पुत्री का हाथ मांगा, लेकिन राजा मानसिंह को और उनकी पुत्री केसरदाई को ये कभी भी मंजूर नहीं था। तो जो राजा मानसिंह थे उनके ऊपर दिल्ली के जो सुल्तान थे मोहम्मद तुगलक ने अपना युद्ध का हमला बोला और यहाँ पर एक युद्ध हुआ, काफी घमासान युद्ध हुआ, खूनी युद्ध आप उसे बोल सकते हो, इतना नरसंहार हुआ कि आज भी यहाँ की धरती रक्त से लाल पाई जाती है। नीचे की ओर जाना पड़ रहा है यहाँ से और आपको उस जगह में ले जाना चाहता हूं जहां पर राजकुमारी केसरदाई ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं वहां पर जहां से जौहर कुंड का रास्ता जाता है, ये जो धरती के तल से होकर जाता है, इसी धरती के अंधेरे रास्ते से रातों रात रानियों ने, राजकुमारियों ने और कुछ दासियों ने अपने प्राणों की आहुति जिस कुएं में दी थी उस कुएं की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब दिल्ली के शासक द्वारा राजा मानसिंह युद्ध में पराजित हो गए तो राजकुमारी केसरदाई ने सोचा कि अगर जिसने हमारे पिता को मार दिया है उसकी अर्धांगिनी बनने से अच्छा है कि मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूं, क्योंकि दिल्ली के जो मुगल सल्तनत के जो सुल्तान थे मोहम्मद तुगलक काफी क्रूर व्यक्ति थे और यहाँ की दासियों ने रानियों ने अपने आप को उनसे बचाने का सिर्फ एक यही उपाय सोचा। दोस्तों अंधेरा है, अंधेरे की वजह से हम रास्ता भटक गए हैं, कोशिश कर रहे हैं रास्ते के पास पहुंचने की, ले आइए, काफी अंधेरा है और डर भी लग रहा है, लेकिन दोस्तों आपके लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये देखिए इसी अंधेरे से रातों रात रानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, रास्ते की ओर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ले आइए। चारों तरफ भयानक अंधेरा है, लगता है हम रास्ते के नजदीक आ गए हैं क्योंकि थोड़ा उजाला हमको दिखाई दे रहा है। और ये देखिए पहुंच चुके हैं, इतना सुंदर जौहर कुंड के लिए रास्ता बनाया गया है क्योंकि उस समय ये पानी पीने के उपयोग में लाया जाता था, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना जब समय बुरा हो तो कुछ भी हो सकता है, जिसका पानी पिया जाता हो उसी में प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी यहाँ के राजकुमारी रानी और सखियों को दासियों को। उसी कुएं के पास पहुंच रहे हैं तो एंड तक बने रहे दोस्तों, रास्ता थोड़ा लंबा है और काफी गहराई में भी है, बनावट देखें आप तो काफी सुंदर है, खूनी गाथा इसे कह सकते हो, क्योंकि कुएं में कूदने के बाद राजकुमारियों ने अपने शरीर में आग लगा ली थी जिसकी ज्वाला आज भी वहां पर धधकती हुई दिखाई देती है। और जो मुगल सल्तनत जो मोहम्मद तुगलक थी उन्होंने जब इसको जीत लिया और राजकुमारी और रानी किसी को भी हाथ में नहीं पाया तो उन्होंने इस पूरे किले को बुंदेलाव को सौंप दिया। और दोस्तों उसके बाद बुंदेल शासकों ने यहाँ पर काफी समय तक राज किया और 15वीं शताब्दी में जो बुंदेला शासक राजा रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी राजधानी ओरछा में बदल दी। दोस्तों बातें करते करते हम जौहर कुंड के पास आ गए हैं और ये देख सकते हो ये वही जौहर कुंड है
जिसमें राजकुमारी, रानी और सखियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। पास मत जाइए, दूर से ही देखिए। हम ऊपर की ओर वापस अपने कदम ले रहे हैं और महल की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जब महाराजा रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी राजधानी ओरछा में बदल दी, तब से यह महल सुनसान हो गया, वीरान हो गया और समय के अभाव में खो गया। सरकार भी इस पर कोई खास गौर नहीं देती है। फिलहाल में यहाँ पर अभी काफ़ी लोग घूमने भी आते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग आते हैं जिनको बहुत कम डर लगता है। कमज़ोर दिल वाले यहाँ पर कभी ना आए और ना ही आते हैं। यहाँ से दिखाइए महल का व्यू कितना खतरनाक और कितना डरावना लगता है। दोस्तों, ये जौहर कुंड का रास्ता है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ हमारे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ की थी आपको सारी दी गई। आगे भी आपको ऐसे ही रहस्य भरी कहानियों से, इंटरेस्टिंग वीडियो से और पुराने से पुराने किलों से आपको वीडियो के माध्यम से वाकिफ कराते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।